हेलो एवरीवन, मैं रितेश व्यास, व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर। ये मेरा चैनल है। इस चैनल के ऊपर आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। प्रीवियस टॉपिक मैंने डीएनए कराया था, ठीक है, तो वो आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा मैंने आपको ये देखा था कि कैसे डीएनए का पैकेजिंग होता है, वो हमने किया था। आरएनए कर रहे हैं, इसके बाद हम जेनेटिक कोड करेंगे, ठीक है। जेनेटिक कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्लास ट्वेल्थ का 6th चैप्टर है। और ये चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है नीट के अंदर भी, ठीक है ना। नीट के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी, इसके अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है और क्लास ट्वेल्थ का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आरएनए, ओके। आरएनए, इसको हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ओके, दैट इज द फुल नेम ऑफ आरएनए। अब ये जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये जनरली मिलता कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं कि राइबोन्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ओके ना, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है, दैट इज द न्यूक्लियोलस, इन दोनों में ये मेनली मिलता है, ठीक है ना। दूसरा, ये जनरली जो होता है साइटोप्लाज्मा के अंदर, जो साइटोप्लाज्मा होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, वहाँ पर ये फ्रीली होता है, ठीक है। और दूसरा, हम ये देख सकते हैं कि ये फ्रीली भी होता है और राइबोसोम्स के साथ में भी होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कई जगहों पर ये अटैच्ड रहता है किसके साथ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, ठीक है ना। दूसरा, आरएनए जो होता है वो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल इनटू द सेल। क्लोरोप्लास्ट में भी देखा है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल इनटू द सेल, क्योंकि ये इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स हैं। ये क्वेश्चन बना है नीट में काफ़ी बार, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट। तो वेयर एज हम ये बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट टू ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें अपना डीएनए होता है, ओके, तो दे आर इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, उनमें क्रोमोसोम्स के साथ ये एसोसिएट्स होते हैं, ठीक है ना। और जनरली आपको मैं एक बात बता दूं कि कुछ वायरसेस होते हैं, लाइक प्लांट वायरसेस, प्लांट वायरसेस में ये जो आरएनए होगा ये उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है ना, उसमें ये हेरिडिटी का काम करेगा, उसमें डीएनए नहीं होगा। तो मतलब जहाँ डीएनए नहीं होगा वहाँ आरएनए हेरिडिटरी मटेरियल होगा, और जहाँ डीएनए होगा वहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करे, ओके, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए का जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो वो डीएनए के सिमिलर ही होता है, ठीक है, बट उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड होता है, और डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, इज ए कंपेरिजन, ओके ना। दूसरा, इनके अंदर क्या होते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं। वो एक सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं, वो फोल्ड भी हो सकते हैं, ओके, फोल्ड होकर वो क्या कर सकते हैं, काफ़ी बार डबल हेलिक्स जैसा अपीयर हो सकते हैं, ओके ना। अब इनमें होते क्या है, जैसे डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो शुगर था, इसमें ओनली राइबो शुगर होगा, ओके। डीएनए में फॉस्फेट H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड था, इसमें भी फॉस्फोरिक एसिड है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस थे, टू टाइप के, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स, इसमें भी दो टाइप के प्यूरिन और पिरिमिडिन्स होंगे। तो एक तो डिफरेंस क्या हो गया कि आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर और डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर आती है और इसमें राइबो शुगर आती है। तो दो तो डिफरेंसेस हमको सामने पता चल गए डीएनए और आरएनए के। तीसरा जो डिफरेंस आ जाता है वो इन नाइट्रोजनस बेसिस के बेसिस पर आता है। जैसे मैंने आपको बताया, दे आर
two type of nitrogenous bases, purine and pyrimidine. प्यूरीन के अंदर आपने देखा है कि एडेनिन और गुएनिन। अगर डीएनए की हम बात कर रहे हैं तो वहां एडेनिन और यहाँ पे थायमिन था, ठीक है ना, डीएनए में, बट इसमें थायमिन नहीं होता है। थायमिन की जगह पे क्या होता है, सॉरी, गुएनिन होता है। जस्ट ए मिनट, एक मिनट में इसको थोड़ा सा रख कर देता हूँ, ठीक है। इसमें प्यूरीन के अंदर एडेनिन और गुएनिन होता है, ठीक है। और पिरिमिडिन्स की जब हम बात करते हैं तो पिरिमिडिन्स के अंदर क्या होता है, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, और डीएनए में यूरेसिल की जगह पे थायमाइन होता है, ठीक है ना। तो थायमाइन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, ये एक इसका तीसरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तीन डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने, सिंगल स्ट्रैंड होगा आरएनए, दूसरा इसमें राइबोस शुगर होगी, तीसरा इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। ओके, क्लियर। तो ये इनके मेन डिफरेंसेस आते हैं स्ट्रक्चरल। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के टाइप्स क्या होते हैं, तो आरएनए के मैं आपको बता दूं कि दो टाइप्स होते हैं। पहला तो जेनेटिक आरएनए होगा, जेनेटिक आरएनए जो पेरेंटियल कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर लेके जाता है, और ये उनमें होगा जिनमें डीएनए नहीं होगा। ओके, मतलब डीएनए इज नॉट फाउंड, ठीक है, वहाँ आरएनए एक्ट एज ए हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। और किन में ऐसा होता है, प्लांट वायरसेस के अंदर, ठीक है, कुछ एनिमल वायरसेस हैं उनमें भी ऐसा होता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनमें भी ऐसा होता है। तो मतलब जनरली ये वायरसेस के अंदर होता है, जहाँ डीएनए नहीं होगा वहाँ ये जेनेटिक मटीरियल होगा, ठीक है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। डबल स्ट्रैंड कब होगा, जब वो लूप कर बना लेगा, क्या बना लेगा, लूप बना लेगा। इसके बाद में दूसरे टाइप का जो आरएनए होता है वो होता है नॉन जेनेटिक। अब आपको मैं बता दूं कि नॉन जेनेटिक आरएनए वो होता है जो जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर नहीं करता, ये उनमें होता है जहां जेनेटिक मटीरियल डीएनए हो, जहाँ पे डीएनए जो होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल हो, जेनेटिक मटेरियल हो, वहाँ पे आरएनए नॉन जेनेटिक हो जाएगा। और इसका जो मेन वर्क होगा, ठीक है, एक तो वर्क होगा कि दे सिंथेसाइज आरएनए, आरएनए सिंथेसाइज में हेल्प करेगा, ठीक है, डीएनए टेम्पलेट्स बनाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ओके, तो नॉन जेनेटिक आरएनए के ये वर्क होते हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए एक तो हमने देखा जेनेटिक और नॉन जेनेटिक होते हैं, अब हम इनको अलग अलग पार्ट में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक होता है एमआरएनए, द मीनिंग ऑफ एमआरएनए, एम का मीनिंग हो गया मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज को लेके जाता है, ठीक है। इसको हम न्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं, बिकॉज दिस आरएनए इज मोस्टली मेड इन द न्यूक्लियस, डीएनए से बनता है, डीएनए अपने आप को एमआरएनए में कन्वर्ट करता है, और दिस एमआरएनए हैव सम मैसेज, ठीक है, फॉर आरआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके ना, तो इसमें क्या होगा कि एमआरएनए जो होता है वो एक पॉलीमर होता है, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है डीएनए का, और ये क्या करता है कि कुछ इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है इन साइटोप्लाज्मा, कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा में, ठीक है ना, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो एमआरएनए जो है इसको मैसेंजर आरएनए या न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। न्यूक्लियर आरएनए इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लियस में बनता है, डीएनए का टेम्पलेट होता है। ओके, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं जो न्यूक्लियस से ये साइटोप्लाज्मा में लाता है, और साइटोप्लाज्मा में ये प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज देता है आरआरएनए को, और इसका टोटल नंबर जो होता है वो 5% होता है। अगर टोटल 100% आरएनए हम माने तो 5% उसमें से एमआरएनए होगा। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, इसकी जो लाइफ स्पान होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना।
चलिए दूसरे टाइप का आरएनए यहाँ पे होता है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा एनसीईआरटी से ज्यादा है। दूसरे तरह का जो आरएनए होता है ना वो राइबोसोमल आरआरएनए होता है, और ये आरआरएनए जो होता है ये टोटल आरएनए का 80% होता है। तो 5% वो 80% ही है, तो 85% तो एमआरएनए और आरआरएनए हो गए, ठीक है ना। टोटल आरएनए का ये 80% होता है, ठीक है। और इट अकर्स इन राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स में मिलेगा, ठीक है। और दूसरा इसका मेन वर्क क्या होगा, ठीक है ना, ये राइबोसोम्स के अंदर मिलेगा और इसका मेन वर्क क्या होगा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और उसमें ये आरएनए मिलता है तो इसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ठीक है ना। और जनरली यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए मिलता है इसके 4 डिफरेंट डाइमेंशंस होते हैं। पहला 28S, 18S, 5.8S एंड 5S, ठीक है। दैट इज द मेनली डायमेंशन ऑफ आरआरएनए। मिलता किस में है, राइबोसोम में मिलता है। राइबोसोम कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है, ठीक है। कितने परसेंट होता है, 80% होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट वन इज टीआरएनए, इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट आरएनए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आरएनए, इसके बारे में पूछा जाता है बार बार। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, ओके। दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट आरएनए। ये जनरली जो टोटल आरएनए होता है उसका 10-15% होता है। कितना होता है, अप्रोक्स 15% मान लें, इतना ये होता है। और इस आरएनए के अंदर क्या होता है, ये इस आरएनए के अंदर क्या होता है कि इसमें 60 स्मॉल साइज्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है ना। और विच कैन रिकॉग्नाइज द कोडोन ऑफ एम आर एन ए। एम आर एन ए पे जो कोडोन्स होते हैं, ट्रिपलेट कोडोन होते हैं ना, उनको ये रिकॉग्नाइज करता है, कौन, टी आर एन ए का एंटी कोडोन, ठीक है ना। दूसरा ये जनरली इनके अंदर टोटल 21 एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने, 21 एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स होते हैं, जो हर एक अमीनो एसिड जो होते हैं टी आर एन ए स्पेसिफिक होते हैं। मतलब हर टी आर एन ए पर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा जिसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड होगा, एंटी कोड होगा, ओके। अब ये क्या होते हैं कि कंबाइंड विद देम एंड कैरी देम टू द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और टी आर एन ए मॉलिक्यूल हैव बीन वेरियसली टर्म एज द सॉल्यूबल आर एन ए एंड सुपरनेंटेन आर एन ए एंड एडेप्टर आर एन ए। मतलब ये आर एन ए जो होते हैं इनके कुछ नाम हम लोगों ने ये इसलिए दे दिए क्योंकि ये मेनली क्या करते हैं कि अपने साथ में अमीनो एसिड को जॉइंट करके रखते हैं, उनको एडेप्ट करके रखते हैं। सो इट इज कॉल्ड एडेप्टर आर एन ए, ठीक है। इसको हम सॉल्यूबल आर एन ए भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो आरएनए का वर्क होता है, आरएनए का जो वर्क होता है, ठीक है, अगर हम उस चीज को देखें तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पे। इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरफ मूव कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अगले टॉपिक पे हम डिस्कस कर लेंगे उसको डिटेल से। वहाँ पे अगले टॉपिक में हम इसकी डिटेलिंग करने वाले हैं और मैं आपको इसके बारे में और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि टीआरएनए जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके बनाने में, प्रोटीन बनाने में, ठीक है। अब आप ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, मैं एक बार देख लेता हूँ, पूरा स्क्रीन पर आ रहा है बराबर, बिल्कुल आ रहा है। चलिए ये एक आपके पास में टीआरएनए है, ये जो टी आर एन ए है ना इसको हम क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, ये क्लोवर लीफ मॉडल है इस तरह का, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको चार साइट्स को ध्यान रखना है। पहली साइट तो ये वाली है, यहाँ पे अमीनो एसिड जो होते हैं, ए ए का मतलब अमीनो एसिड, दैट इज द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ता है, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ता है। ये 3' है, ठीक है। और यहां हमेशा जो सीक्वेंस होगा वो ए सी सी होगा, वहीं पर
क्या अटैच होगा, अमीनो एसिड अटैच होगा, ठीक है। इसका दूसरा एंड जो है दैट इज द फाइव एंड, दिस वन, ठीक है, ये जी एंड होता है, यहाँ पे सबसे ऊपर जी होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो थ्री प्राइम है यहाँ पर अमीनो एसिड OH से अटैच होगा, किससे अटैच होगा, OH से अटैच होगा। तो फर्स्ट तो चीज क्लियर हो गई हमको ये वाले एंड की। दूसरा एंड हमारे पास ये हो गया, ये जो दूसरा एंड है हमारे पास में ये है अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग लूप, मतलब ये एक एंजाइम है। क्या है, ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम को बाइंड करने वाला लूप ये वाला है। और दिस एंजाइम हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। इसको हम डीएचयू लूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसका जो लूप होता है वो ये होता है, जिसको हम राइबोसोमल बाइंडिंग लूप बोलते हैं। राइबोसोमल बाइंडिंग लूप का मीनिंग क्या, कि ये राइबोसोम्स को सेलेक्ट करता है। आपको पता है कि राइबोसोम्स के अंदर, आपको पता है कि जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उस समय टीआरएनए राइबोसोम के अंदर, अगर हम देखें तो राइबोसोम के अंदर ये हमारे पास में दो सब यूनिट होते हैं। जो बिगर सब यूनिट होगा ये वाला, ठीक है ना, इस बिगर सब यूनिट के यहाँ पर टीआरएनए अटैच होगा। तो इस बिगर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करने का वर्क ये वाला लूप करेगा। और जो स्मॉलर है इसके अंदर एमआरएनए होगा, ठीक है ना। तो एमआरएनए और टीआरएनए, तो टीआरएनए का जो थर्ड लूप है दैट वन इज हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइबोसोम्स बिगर या लार्जर पोर्शन, ओके। इसके बाद में नीचे ये जो इसका फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप क्या होता है कि जब ये टीआरएनए यहाँ पर एमआरएनए के साथ अटैच होगा तो एमआरएनए के ऊपर तीन नाइट्रोजनस बेसिस का एक ट्रिपलेट होगा। इस ट्रिपलेट को हम कोडॉन कहते हैं। इस कोडॉन का अपोजिट इसके ऊपर होगा जिसको हम एंटीकोडॉन कहते हैं। तो इसमें तीन यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगे रहते हैं, ठीक है, जो mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम एंटीकोडॉन कहते हैं। कोडॉन किसको कहेंगे, जो mRNA पे होगा। एंटीकोडॉन किसको कहेंगे, जो tRNA पे होगा, ठीक है ना जी। बस आप अभी इतना ध्यान रखिएगा। अब ये वर्कआउट कैसे करते हैं ये हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जब करेंगे तो उनके अंदर मैं बताऊंगा। ट्रांसलेशन में ये प्रॉपर वर्क आपको समझ में आएगा। आपको अभी केवल डायग्राम को ध्यान देना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज, अब हम इनके पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जो डिफरेंट रीजंस होते हैं इसके, इनके जो डिफरेंट रीजन है जिनके अंदर, एक तो मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट जो सबसे ऊपर होता है वहां OH ग्रुप होगा, ठीक है ना, OH ग्रुप होगा और थर्ड एंड पर होगा, थर्ड प्राइम पर होगा, वो ऊपर बताया था जहाँ ACC तीन नाइट्रोजनस बेस आएंगे, ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कंबाइन करेगा, ठीक है। और जब अमीनो एसिड को कंबाइन करेगा तो इसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इसको एटीपी से मिलेगी, ठीक है, और इसको एटीपी से एनर्जी देने का काम कौन करेगा, वो एंजाइम जो अमीनो एसिटाइल एंजाइम होता है जो इस टीआरएनए को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा, ओके। इसके बाद में जो दूसरा साइट मैंने आपको बताया था डीएचयू, ये वाला जो होता है यहाँ पे भी वो एक्टिवेशन एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। मैंने आपको बताया था वो जो लूप होता है डीएचयू लूप। इसके बाद में एंटीकोडॉन और कोडॉन, कोडॉन मैंने आपको बताया था एमआरएनए पे होता है। कोडॉन्स कहाँ होते हैं, एमआरएनए पे होते हैं। उन कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट टीआरएनए पे होता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस होता है, द सीक्वेंस इज द कॉम्प्लीमेंट्री विच प्रेजेंट ऑन टीआरएनए इज कॉल्ड एंटीकोडॉन।
कॉडोन का कॉम्प्लीमेंट एंटीकोडोन, ओके। इसके अलावा एक और मैंने आपको इसका पार्ट बताया था, जो राइबोसोम रिकॉग्नाइज साइट होता है वो हेल्प करता है कि राइबोसोम के कौन से पार्ट से वो अटैच हो, बिगर या स्मॉलर, और किससे अटैच होता है, ऑब्वियसली बिगर से होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दो टाइप के और आरएनए होते हैं, जिसमें एक आरएनए होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, न्यूक्लियर मतलब ये न्यूक्लियस में होता है, और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए मतलब ये साइटोप्लाज्मा में होता है। तो SN मतलब स्मॉल न्यूक्लियर, SC मतलब स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ये वाला आरएनए जो होगा दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना, और ये आरएनए जो होगा मेन वर्क करेगा इन द स्प्लिसिंग, ठीक है, ऑफ आरएनए प्रोसेस एंड आरआरएनए प्रोसेस और एमआरएनए प्रोसेस। मतलब होता क्या है कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है ना, तो उनके बीच में कुछ पर्टिकुलर एक्सॉन और पॉइंट आ जाते हैं जिनको कुछ को हटाना पड़ता है, तो उनको हटाने का प्रोसेस जो होता है, उनके कैपिंग और टेलिंग का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। इसको मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। इसमें ये SNRNA हेल्प करता है, और SCRNA जो होता है इट इज द स्मॉल साइज RNA, मोस्टली अकर इन टू द साइटोप्लाज्मा, बिकॉज ये साइटोप्लाज्मा ही होगा, और इसका मेन वर्क होता है कि इट हेल्प्स इन टेकिंग एंड बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम को बाइंड करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आपको पता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम होते हैं तो दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इज प्रोड्यूसिंग सिक्रेटरी प्रोटीन। वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये मेन वर्क होता है SCRNA, क्लियर। तो ये हमारे आज का टॉपिक हो गया RNA, mRNA, rRNA और tRNA, ठीक है ना। इसके अलावा SNRNA और SCRNA, tRNA इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं उसको एक बार वापस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये आपके पास में पार्ट आ गया tRNA का, tRNA को एक बार वापस देख लीजिएगा, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। इसमें एक तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा, दिस साइट इज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट फर्स्ट। ये वाली साइट मैंने आपको बताया था DHU साइट होता है, जो कि एक स्पेशल एंजाइम्स को बाइंड करने में हेल्प करता है। थर्ड, ये वाला राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होता है जो राइबोसोम से अटैचमेंट को करता है। ये एंटीकोडोन होता है जो एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट बनाता है। चार पार्ट होते हैं इसके, ठीक है ना, क्लियर है, और इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज की क्लास के अंदर हो गया। कल की क्लास जिसमें मैं जेनेटिक कोड को लेके आऊँगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जेनेटिक कोड, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सारे पॉइंट भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ज़रूर इसको करिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके उन सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूँगा, ठीक है, बाय।